मैं नहीं भाई, हर एक स्टूडेंट यहाँ पर मस्टैंग ले सकता है। उठा ली तुषार भाई, आज नहीं मानोगे आप। और भी जब से मैंने खरीदी थी तब से बहुत ज्यादा वो आई थी प्रॉब्लम्स गाड़ी के अंदर। 4 साल हो गए अभी तो मस्टैंग ले ले ऑस्ट्रेलिया में। भाई मैं ना गाड़ी अंदर लेके आ रहा था, मैंने कहा छिल जाएगी साइड से, अब लग रही है जगह है बट। अरे भाई ट्रेन स्टेशन है तो पहली बार आया हूँ मैं इधर। हाँ तो भाई अभी थोड़ी सी मस्टैंग की और बात कर लेते हैं। भाई देखो काली डिफेंडर और पिंक कलर की बेंटली के सेक्सी लग रही है भाई। जी खराब हो जाता है भाई ऐसी जगह पे आके, ऐसे कैजुअली रोमर नहीं, कैजुअली रोमिंग अराउंड 30-30 करोड़ के घर। भाई मतलब कहाँ से पैसा आ रहा लोगों के पास, ये भी भाई सब से कैजुअली घूम रहे हैं। 20-20, 30-30 करोड़ के घर है यहाँ पे। और उधर भी लेके गया मैं आप लोगों को टूरक वाले सबब में, वहाँ तो भाई 100-100 करोड़ के घर है। ऐसे आराम से डिलीवरियाँ करते हैं उसमें हम। एक बार क्या हुआ, मैं चला गया डिलीवरी करने उधर, तो बड़े अंकल थे, ठीक है एजेड से अंकल थे वो बड़े, तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर था उनका, 8-10 बैग थे। तो उन्होंने बोला कि हेल्प कर देगा अंदर रखवाने के लिए, थोड़ा सा घर के अंदर घुसते ही, वैसे हम लोगों को अलाउड नहीं होता बट वो अंकल बहुत ज़्यादा वैसे एजेड थे तो मैंने घर रख देता हूँ भाई। तो मैंने अंदर रखा, अंदर ना भाई पुतला लगा हुआ घर के अंदर, नंगा जिसको लटकती है ना, उसी लटक रही थी पुतले की, वैसे से लटक रहा है ऐसे पोज मार के। और इतना बड़ा डाइनिंग एरिया, ऐसे सोच लो कि भाई 30 लोग बैठ जाए उस डाइनिंग टेबल पे, इतनी बड़ी टेबल आलीशान पार्लियामेंट हाउस जैसी भाई। और वो घर था किसी का, और भाई मेरी फट गई थी देख के। कहते कि मेरी वाइफ बीमार है, उनको कीमोथेरेपी हुई है, और फिर हमने अभी ऑर्डर किया ऑनलाइन। मैं कहा नहीं थैंक यू सो मच, यू डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऐसे ऐसे करके बड़े अच्छी अच्छी बातें करके आया और मैंने ऑर्डर रखा। तो ये देख लो भाई वो अंकल बहुत डाउन टू अर्थ, सॉरी उन्होंने मेरे को 3 बार बोला कि मैं तेरे से अंदर घर में रखवा रहा हूँ खाना, ऐसे करके। तो बड़ा वैसा था भाई, बड़े स्वीट अंकल थे। यहाँ पर इतने अमीर इतने और सारे ऐसे रहते हैं डाउन टू अर्थ। हमारे जेब में 2000-1000 डॉलर क्या आ जाए भाई, हमसे अमीर को यही नहीं, ऐसे रहते हैं। नहीं भाई डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। और आजकल भाई यूट्यूब पे काफ़ी लोग गाड़ी खरीद के बेच रहे हैं, हर 6 महीने में इधर उधर कर रहे हैं। भाई क्या हो रहा है यूट्यूब पे यार, हंसी आती है भाई। वो रियलिटी कहाँ गई जो लोग रियलिटी देखना पसंद करते थे, रियल ब्लॉगिंग, डेली ब्लॉगिंग, रेगुलर ब्लॉगिंग, एक्चुअल लाइफ क्या हो रही है लोगों में। आजकल लोगों को भाई यही सब पसंद है कि गाड़ियाँ बड़ी बड़ी बैक टू बैक आई जा रही, हर 6 महीने में चेंज हो रही हैं। मेरे को भी कोई कमेंट कर रहा है 4 साल हो गए अभी तो मस्टैंग ले ले ऑस्ट्रेलिया में। अरे भाई मस्टैंग में भी खड़े पैर ले लूँ, ठीक है, सच्ची बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। इसको बेच के थोड़े से डाल के पैसे मस्टैंग आ जाएगी, अगर EMI करवा ली तो। और अभी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, बट भाई मस्टैंग यहाँ मेलबर्न के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और मस्टैंग स्लिप मारती है क्योंकि इंजन बहुत बड़ा है और पीछे उसके मतलब पीछे रियल व्हील ड्राइव है ना, तो स्लिप कर जाती है गाड़ी बारिश के टाइम पे। और ट्रैम लाइन्स है यहाँ पर, ट्रैम लाइन्स पे गाड़ी फिसल जाती है। तो अगर मैंने बारिश में थोड़ी सी हल्की ज्यादा रेस कर दी, कहीं घुसी होगी दीवार में। इतनी न्यूज देखी है कि एक लड़का अपने पापा की मस्टैंग की चाबी ले गया, 19-20 साल का हुआ होगा, और उसने दे के मार दी। बहुत मस्टैंगों की न्यूज आती है, बहुत फिसलती है भाई। हाँ अच्छे से चलाओ तो चलेगी भाई, पर कभी गलती से कुछ हो गया तो भाई वो एक ही गलती भारी पड़ जाएगी ना। इसलिए मस्टैंग से मेरा दिल उठ चुका है भाई। लेंगे उससे भी बढ़िया कोई चीज लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो अभी तो हाँ तो डिलीवरी कर रहा है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो भाई कुछ नहीं, छोड़ो चलो नेवर कुछ। ओके भाई यहाँ से ऑर्डर आया है, ये रहा, और एंट्रेंस पता ही नहीं कहाँ है। वो तो गाड़ी की पार्किंग है वो भी नहीं है। ये भाई भी भाई ढूंढ रहा है किसी का घर। उठा लिए तुषार भाई, आज नहीं मानोगे आप। हाँ नहीं मान रहा भाई, डिलीवरी है भाई किसी की। देखो मन कर रहा है एक चटका ले। भाई घर के पास रेस्टोरेंट है इंडियन, मेरे को पता ही नहीं था अभी तक। खाली है भाई देखो, लोग ही नहीं है, छुट्टी का दिन है। ये देखो भाई चर्च बीच में, इतना घूमे ही नहीं। आप लोग चाहते हो भाई कि आसपास का, आप लोग चाहते हो भाई आसपास का नेबरहुड दिखाऊं मैं कैसा है, घर के आसपास का एरिया पूरा ठीक। मैंने खुद नहीं ढंग से देखा। चर्च है यहाँ पे, तो ये ऑर्डर देकर आना है। और 12 डिलीवरीज करनी है तो 5 हो गई, 6-7 मेरे पास है, फिर 5 और करनी है। छोड़ दिया भाई खाना। और भाई मैंने क्वेस्ट की तो फोटो नहीं लगाई कि हर 3 डिलीवरी पे कितने मिल रहा है। साइड में स्क्रीनशॉट में देख लो, 6 हो चुकी है अभी, 6 हो रहा है बस। फिर घर जाएंगे, आराम से रेस्ट करेंगे, ब्लॉग एडिट करेंगे, कुछ खाएंगे, भूख लग रही है। बिल्ली। ये रही भाई, मेरे को तो बड़ा डर लगता है भाई बिल्लियों से। यहाँ बिल्ली बड़ी घूमती है, ये पालतू होती है, अपने आप घूमती है, 2-3 दिन बाद घर आ जाती है। टायर के नीचे मचा दी बहन। भाई बिल्ली है बिल्ला है पता ही नहीं लग रहा। और वो अंकल उसको वहाँ बुला रहे हैं, वहाँ चली गई। ऐसी चीज बोलते हैं कि हम डॉग्स को पालते हैं और बिल्लियाँ हमको पालती हैं, अपनी मनमौज होती है ये। पुसीज आर पुसी कैट्स। भाई ये ग्लेनफेरी रोड इतनी भरी होती है फ्राइडे को, ट्रैफिक लग रहा होता है। आज पूरी खाली है। KFC खुला हुआ है, तो पिंक कलर की दीदी वाले बाल, और ये छुटपुट रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, बट बहुत खाली है। हाँ मैं कह रहा था कि पब्लिक हॉलीडे वाले दिन सारे लोग घूमने चले जाते हैं दूर दूर। अब क्या है, जैसे फ्राइडे को छुट्टी है, गुड फ्राइडे, फिर ईस्टर मंडे, ईस्टर ट्यूजडे, ऐसे करके 5-6 दिन की छुट्टी आ गई तो वेरी लॉन्ग वीकेंड हो गया और सब घूमने निकल जाते हैं। भाई मैं ना गाड़ी अंदर लेके आ रहा था, मैंने कहा छिल जाएगी साइड से। अब लग रही है जगह है, बट गाड़ी के अंदर से लग रहा था जगह ही नहीं है, स्क्रैच हो जाएंगी साइड से। ये देखो यहाँ से गाड़ी से लग रहा है सीधी सीधी चली जाएगी, बट नहीं जाएगी क्योंकि अंदर से लग रहा है कि साइड से छिल जाएगी, स्क्रैच हो जाएगी। तो मैं इस $5 की डिलीवरी के पीछे अपनी गाड़ी की ऐसे से क्यों करवाऊँ, है ना। और ये देखो सिविक टाइप आर पुरानी, जो गेमों में नहीं खेलते थे हम। एलॉय देखो गोल्डन करा रखे हैं, अंदर रिकार्डो वाली सीट्स हैं इसकी। छोटी सी है, बहुत पुराना मॉडल है भाई, पर अच्छी बना रखी है। अरे भाई ट्रेन स्टेशन है, तो पहली बार आया हूँ इधर। 1, 2, 3, 4, चौथी जा रही है, और उधर 5 ट्रेन खड़ी है यहाँ पे। देखो भाई लास्ट ऑर्डर, ये एक बिल्ली यहाँ बैठी है और एक वो बैठा भूसंड। भाई 12 डिलीवरी कर दी, फिर मैं घर जा रहा था, फिर ये ऑर्डर आ गया एक, और इसके साथ एक और आ गया। दाढ़ी बड़ी गंदी लग रही है ना, कल कटवानी है। बाल भी बहुत बड़े हो गए भाई, कल कटवा लेंगे अच्छे से, क्योंकि भाई फिर निकलना है। हाँ तो भाई अभी थोड़ी सी मस्टैंग की और बात कर लेते हैं। बाल वगैरह कटवाया है, कल का था ना ये ब्लॉग, तो आपको भाई हेयर कट वाला सारा सीन आपको कल की वीडियो में देखेगा। हाँ अभी बात सुन लो, क्योंकि कल मैं एंड करना भूल गया था। क्या कह रहा था मैं कि हाँ मस्टैंग की हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मस्टैंग तो भाई बहुत टाइम पहले ऐसे अपना ड्रीम सा था, ठीक है, जब लेनी होती, मतलब बचपन में ना कि लेंगे बड़े होके, सपना सा था अपना। एक बार ब्राइटनेस बढ़ा लूँ थोड़ा, स्किन अच्छी लगेगी, एक सेकंड ब्लेमिश सी हो जाएगी ना। आईफोन का फीचर है तो पैसे पूरे करें ना फिर। हाँ तो भाई फिर बचपन से सपना होता अपना लेनी है, ठीक है, बहुत गेम्स में खेली है सब कुछ। उसके बाद भाई जब मैंने, मेरी सबसे पहली गाड़ी आप लोगों को पता ही है ना, इलेंट्रा। इलेंट्रा के बाद पोलो जीटीआई ने मेरे को बहुत रुलाया, तो मेरे को जर्मन से भाई थोड़ा सा भरोसा कम हो गया था ऑनेस्टली। जब मैं मेलबर्न आया था उस पर ड्राइव करके सिडनी से, तो $2000 भाई खर्चा आ गया था उस गाड़ी पे, ठीक है। $2000 भाई खर्चा आया था पोलो जीटीआई पे। और भी जब से मैंने खरीदी थी तब से बहुत ज़्यादा वो आई थी प्रॉब्लम्स गाड़ी के अंदर। तो सीन क्या बना था, मैंने कहा था भाई मेरे को थोड़ी सी रिलायबल गाड़ी लेनी है। जब मैं i30 खरीद रहा था तब मेरे दिमाग में था मस्टैंग भी ले सकते हैं, या फिर मर्सिडीज C200, या फिर शायद C300 भी थी, ब्रांड न्यू नहीं, 2020 मॉडल। मैं झूठ क्यों बोलूँ भाई, मैं यहाँ पे आप लोगों को वो नहीं बताऊंगा मेरी नई गाड़ी आ गई चुटकियों में, हर 6 महीने बदल रहा हूँ। नहीं भाई रियलिटी है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा सेकंड हैंड कार मार्केट है, नया कार मार्केट। जैसे ही गाड़ी से बाहर शोरूम निकलती है ना, मतलब बाहर शोरूम से गाड़ी बाहर निकलती है, बहुत ज़्यादा रेट गिर जाता है। हर जगह का यही सीन है, बट ऑस्ट्रेलिया में लोग यही प्रेफर करते हैं कि जब कम चली हुई गाड़ी, जैसे मेरी i30 थी, सिर्फ 6000 चली हुई थी जब मैंने खरीदी थी, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू के प्राइस के ही बराबर थी। $4000-5000 का फ़र्क आ जाता है, वो बहुत सही रहती है ना चीज़ की भाई। आपको 2-3 समझ गए ना, जब मैंने ली थी मैं आपको, चलो छोड़ो नहीं बता रहा कितने की ली थी। और मस्टैंग GT तो तब था कि ले लेंगे, बट फिर मेरे को ये लगा कि भाई मर्सिडीज़, मतलब चलो नहीं आएगी दिक्कत, बट फिर भी जर्मन है ना, सेम। तो फिर मेरे को बहुत डर लगा था भाई, और फिर मैंने सोचा तो मेरे को थोड़ी सी रिलायबिलिटी चाहिए। हुंडई इतनी हाई लेवल रिलायबल नहीं है, बट मेरे साथ भाई टचवुड गाड़ी हमेशा से सही रही है जब से मैंने ली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई है इसके अंदर, जैसे पोलो में आई थी। और अगर मैं मस्टैंग लेता तो भाई उसके ज़्यादा खर्चे होते ऑनेस्टली, बड़ा इंजन है भाई और ज़्यादा खर्चे होते, नहीं तो मैं पहले मस्टैंग ही ले रहा था। बट अभी आगे हम लोग सोचते हैं भाई कौन सी लेनी है, ठीक है, बने रहिए। बाकी भाई मेरे को तो ये हो गया है कि मैं नहीं भाई, हर एक स्टूडेंट यहाँ पर मस्टैंग ले सकता है अगर उसको अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे ना करनी हो, ठीक है। सब लोग भाई 40-50-50 हज़ार, मेरी तो $1,00,000 फीस गई है। जो बैचलर्स के लिए आते हैं उनकी भी लाख के अराउंड ही होती है, 80-90 हज़ार। लाख कैसे गई वो मैंने अपनी वीडियो चेक कर लो, आई बटन में आ जाएगी। इतना खर्चा मालिक अगर फिर पढ़ाई पे नहीं करते उसमें, तो मतलब कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का। बट मैं कह रहा हूँ सब खरीद सकते हैं भाई, ठीक है। बाकी इतने टाइम से भाई यहाँ पर रह रहे हैं, और अगर मैं अभी भी भाई i30 को बेचूंगा तो जितना भी, मतलब चलो छोड़ो, मेरे को नहीं इस बात करनी इस बारे में। जो भी गाड़ी होगी भाई जल्दी डिसाइड करेंगे। बट मेरे को थोड़ा सा ना गाड़ियों पे वो नहीं है कि मन नहीं है मेरे को पैसे डालने हैं। मेरे को ये है कि कुछ एसेट बना लें भाई, ठीक है। अभी उम्र है, इन सब चीज़ों में डालने लग गए, फिर एसेट कब बनाएंगे, 30-35 के हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मन सा उब गया। आपकी क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, एक चीज़ और, ऊबर की कितनी कमाई हुई ये गेस करो। मैंने 3.5 घंटे काम किया था और प्रमोशंस के वो थे। मैंने इतनी सारी ऊबर की वीडियोस बताई है, गेस करके बताओ कितना है एग्जैक्ट अमाउंट या फिर अप्रॉक्स अमाउंट बताओ, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो इतनी चलेगी तो लाइक कर देना, कुछ सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलो फॉर मेलबर्न बॉयज फ्रॉम इंडिया, कैन डू वेदर।